हेलो फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल देख रहे हो, मैं इतना। और आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस किसका भाग है? मोड्स ऑफ पेमेंट का। ठीक है, मोड्स ऑफ पेमेंट में वो सबसे बीच में आता है। ठीक है, तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्या होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस में दो टाइप्स होते हैं, जिसमें दो आते हैं, जिसमें होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या होता है, एक बात चीज का ध्यान रखिएगा इसमें कि भैया ना, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व जरूर होती है, वो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, ना कि कोई गारंटी लेती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस में क्या होता है, उनकी खाली जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे और उसके सामने पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं लेते हैं। हालांकि एलसी में क्या होता है कि भाई गारंटी लिया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, वो भी टाइप्स ऑफ एलसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एलसी किस प्रकार की है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अभी बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, हम डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस की बात कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या होता है कि एक्सपोर्टर क्या करेगा, यहाँ से जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक में लेके जाएगा, बैंक को बोलेगा आप ये है ना मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये कंट्री में मेरे को भेजने हैं, उस कंट्री में इस कंट्री में इस ना इंपोर्टर का अकाउंट है, तो प्लीज इस बैंक को कॉन्टेक्ट कीजिए और उनमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए और सामने पेमेंट मंगवाइए मेरे अकाउंट में। तो वो जो रेगुलर जो चार्ज रहता है वो चार्ज करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहां भेजेंगे। ठीक है, और पेमेंट मंगवाएंगे। तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि भाई यहाँ से जो डॉक्यूमेंट जाएंगे बैंक के द्वारा सामने वाली बैंक के पास, तो वो सामने वाली बैंक को उनको बुलाएगी इंपोर्टर को, भाई आप यहाँ पे आइए, अभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में आए हैं, तो आप कितने दिन के बाद इनको पेमेंट करोगे और सामने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंपोर्टर एक बिल ऑफ एक्सचेंज देगा और वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारी बैंक में आएगा। ठीक है, फिर उसके भी आप पे वो पेमेंट सेटलिंग होगा, कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत, कि भाई हम मैं इंपोर्टर करेगा एक्सेप्ट करके कि भाई मैं 90 दिन के अंतर्गत वो पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो एज एन सिक्योरिटी वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही लेते हैं और 90 दिन के अंतर्गत जैसे ही पेमेंट हो जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज वापस देते हैं। ठीक है, तो ये था एक कंसेप्ट डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस का, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई क्या होता है, क्रेडिट दी जाती है और बहुत ही रिस्की तरीका है ये, क्योंकि इसमें बैंक्स देखो एक तो चीज है गारंटी नहीं लेता है। तो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट ये होता है कि भाई है ना, जैसे ही बैंक एक बैंक एक्सपोर्टर की बैंक इंपोर्टर की बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, तो वो क्या करेंगे, तुरंत ही उसके अकाउंट में से वो पेमेंट निकाल के हमको दे देंगे। मीन्स कहने का मतलब 1-2 दिन लगा सकते हैं, 1-2 दिन के बाद वो पेमेंट करेंगे। कैसे होगा ये, क्या भाई यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे इंपोर्टर की बैंक के पास, तो इंपोर्टर की बैंक का ना इंपोर्टर को बुलाएगी, भाई आपकी ये डॉक्यूमेंट्स इस मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आए हैं। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के रूप में आए हैं, तो अभी आप इतने ना करेंसी का इंतजाम करो, अगर जो उनके अकाउंट में होगा तो वो चीज नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही उसको वो ट्रांसफर कर देगा पैसा। अगर जो नहीं हुआ तो वो उसको बोलेगा कि भाई इतना पैसे का अरेंजमेंट करो ताकि मैं आपको ये डिलीवरी दे सकूं आपको डॉक्यूमेंट की, तभी आप डिलीवरी ले पाओगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादा करके, तो वो पेमेंट तुरंत ही भेज देते हैं, इतनी तो क्रेडिट वर्दीनेस होती है उनकी इंपोर्टर्स की। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट था मेरे को जो समझाना था, जिसका नाम था डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस इन कंटेक्स्ट टू मोड ऑफ पेमेंट्स। तो मोड ऑफ पेमेंट्स में ये कैसे इफेक्टिव है, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात। हाँ, एक चीज का खास हम खास ध्यान रखिएगा, जो मैं पिछले वीडियोस में शायद मैं बोल चुका हूँ, एडवांस पेमेंट फॉरेन करेंसी में लेना मना है। ठीक है, हालांकि आरबीआई ने आपको परमिशन दिया है, ठीक है, तो ले सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एडवांस पेमेंट में क्या होगा, अगर जो एडवांस पेमेंट आ रहा है तो बैंक के थ्रू आएगा, बैंक के थ्रू आ सकता है। ठीक है, तो बैंक तुमको एफआईआर सी देगा, उसके भी आप हम उसको बताएंगे कि भाई ये इस कंसाइनमेंट के बिहाफ पे आया है और बाकी का पेमेंट इसके बाद में आएगा जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात। तो यही था डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस का कंसेप्ट। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अंटिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।